हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। एपिसोड 11 में हम देखते हैं जन्नी दादी माँ और चैनविंग के साथ घर जा रही होती है। तभी चैनविंग कहता है 20 साल से ये लोग हमारे घर में सिर्फ पैसे के लिए तो काम नहीं कर रहे होंगे, शायद कोई और बात है। दादी माँ कहती हैं, जन्नी तुमने अपना नाम ज्यूली क्यों रखा? चैनविंग कहता है, मुझे याद है राजकुमारी का नाम ज्यूलिंग था जो कि मर चुकी हैं। तो दादी माँ कहती हैं, हाँ और वो जनजन की दोस्त थी, दोनों की फैमिली मर गई, ज्यूली की शादी हुई और वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रही, जनजन की एंगेजमेंट टूट गई। चैनविंग कहता है, दोनों बहुत अलग हैं, मुझे लगता है जनजन ज्यूली से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है, कम से कम वो अभी तक जिंदा तो है। जनजन कहती है, दादी माँ मैं यहाँ से अकेले आ जाऊँगी, मुझे कुछ काम है। दादी माँ कहती हैं, ठीक है। जनजन चली जाती जा रही होती है, तभी युआन बाओ बायो को देखती है जो कि एक किन्नर होता है जो राजा चुरैंग का साथी होता है। जनजन उसका पीछा करती है और उसके पीछे जैनर भी चला जाता है। आगे हम देखते हैं युगजीवी दादी माँ से कहती है, दादी माँ चैनविंग घर अच्छे से आ गया है और युगजीवी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि उसकी माँ मैडम सू ने किया था, तो कृपया आप उसे छोड़ दीजिए। आगे हम देखते हैं चैनविंग युगजीवी के पास जाता है और उसे अपना लाया हुआ तोहफा देता है। उसे चलता हुआ देख युगजीवी बहुत ज़्यादा खुश होती है और तोहफा देखकर भी खुश होती है और चैनविंग से कहती है, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, अपना नाम कमाना चाहती हूँ और उसकी पूरी फैमिली छोड़ने और उसे उसको पूरी फैमिली छोड़ने आती है, यहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं जनजन उस आदमी का पीछा करते करते होटल के कमरे के पास पहुँच जाती है और उसकी बात सुन रही होती है। वह इंसान अपने अपने एक आदमी से कह रहा होता है कि ली चेंगहांग की मौत हो चुकी है और वह आदमी कहता है, हाँ और किसी को हम पर शक भी नहीं हुआ। तभी उस आदमी को शक होता है कि बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो वो दरवाजे के पास देखने आ रहा होता है। तभी जैनर वहाँ कहता है, गर्म पानी लेकर जल्दी आओ। चंदन जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, माफ़ कीजिएगा मुझे देर हो गई। तो जैनर उसको देखकर जैनर उसको बड़ी चालाकी से बचाकर वहाँ से ले जाता है। तो उस आदमी को शक होता है, तो वो जाकर मालिक से मिलकर सभी नौकरों को देखता है, पर वहाँ जनजन नहीं होती। वो जाकर अपने मालिक को बताता है और सभी आकर जैनर वाले कमरे की तलाशी लेते हैं, पर सब वहाँ से भाग गए होते हैं। उन दोनों को युवान बायो के लोग ढूंढ रहे होते हैं, तो जैनर कहता है, तुम जनहाउ जाओ मैं देखता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं जनजन को सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं। लिवियर उसके कल रात ना आने पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जनजन घर नहीं आई होती है, तो दादी माँ और बाकी सभी लोग जनजन को ढूंढने के लिए जनाव के मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और पहले तो वो कहता है कि वो जल्दी ही लौट आएगी। फिर दादी माँ उसको एक कागज़ दिखाती हुई कहती हैं कि उसे जल्दी ढूंढो। उस कागज़ में राजा का मोहर लगा होता है। दादी माँ कहती हैं कि जब राजा राजकुमार थे तब उन्होंने ये दिया था। मजिस्ट्रेट जनजन को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। वो बाहर जाकर अपने सैनिकों को आदेश दे रहा होता है, तभी जनजन वहाँ रहती है, तो लिविया दौड़ के उसके पास चली जाती है। सब उससे पूछते हैं, तुम कल रात कहाँ थी? जनजन कुछ अच्छे से नहीं बताती। तब दादी माँ नाराज होती हैं, पर चैनविंग उसके साथ खड़ा होता है। फिर दादी माँ बताती हैं कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि जनजन ने हमारी फैंग फैमिली के बेटे को ठीक किया है, उसने हमारी मदद की है। इससे पहले भी उनका फैंग फैमिली के बेटे और उनके पति की मौत हो चुकी है। आगे हम देखते हैं कि जनजन दादी माँ से कहती है, कल रात मुझे देर हो गई क्योंकि मैं कल रात एक हिजड़े का पीछा कर रही थी। दादी माँ कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हिजड़े महल से बाहर नहीं निकलते। जनजन कहती है, हाँ मुझे पता है दादी माँ, हाँ मुझे पता है, पर मैं कल उसी का पीछा कर रही थी। फिर बताती है कि दादी माँ, टू बी हॉनेस्ट, मैंने आपके बॉक्स में दियान के तीसरे साल का मुहर देखा था, आप उसके बारे में क्या जानती हैं? दादी माँ कहती हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम हम सबको मरवाने की कोशिश कर रही हो। और दादी माँ रोने लगती हैं। जनजन कहती है कि चिंता नहीं कीजिए, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। आगे देखते हैं कि चैनविंग की माँ कहती हैं कि तुम्हारी और जनजन की शादी असली नहीं थी, तुम्हारी शादी सिर्फ तुम्हारा पैर ठीक करने के लिए किया गया था, जनजन तुमसे प्यार नहीं करती है और तुमको तलाक देना पड़ेगा। चैनविंग कहता है कि यह तो जनजन के साथ जास्ती हो रही है, उसके साथ गलत हो रहा है। आगे देखते हैं जनजन और लीजर वहाँ से जाने के लिए कपड़े बांध रहे होते हैं, तभी वहाँ चैनविंग आता है, तो लीवियर पूछती है कि क्या आप
चैनमिन के बारे में सोच रही हैं तो जंजन कहती है नहीं वो मेरा सिर्फ कजिन है। तो जंजन सुन लेता है और कहता है कि सच में जंजन मुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ मुझे अपना कजिन मानती है। फिर चैनमिन उसके पास जाता है और उसको तलाक का पेपर देता है और कहता है तुम कल जा रही हो। जंजन कहती है हाँ। चैनमिन और जंजन बाहर जाकर बात करते हैं। चैनमिन कहता है अपना ख्याल रखना। तो जंजन कहती है मैं अकेली नहीं हूँ, लिवियर भी मेरे साथ है। फिर चैनमिन कहता है कभी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। चैनमिन कहता है क्या तुम यहाँ वापस नहीं आओगी। चंदन कहती है जरूर आऊँगी, अब हम एक फैमिली हैं। फिर आगे हम देखते हैं सभी लोग जंजन और उसके परिवार के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। सब लोग कहते हैं कि जंजन फैंग फैमिली की ग्रैंड डॉटर थी, जिसके परिवार में उसके पिता बहुत सफल डॉक्टर थे। और जंजन एक ऐसी महिला है जिसने घर में रहकर ही डॉक्टरी बहुत अच्छे से सीख ली है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं और एपिसोड 11 यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं एपिसोड 12 में। सभी लोग वही बात कर रहे होते हैं कि मिस जन एक ऐसी महिला है जो फैमिली बिजनेस को आगे ले जा रही हैं। उन्होंने अपनी मेडिसिन स्किल घर बैठे ही सीख ली है। चारों तरफ जंजन की वाह वाह हो रहा होता है कि जंजन एक बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर है। उन्होंने नकली शादी करी ताकि चैनमिन को ठीक कर सके और फैंग फैमिली के दोषी को पकड़वाए जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं महल वाला किन्नर मिस जीवली को ढूंढ रहा होता है। आगे हम देखते हैं जैनर चैनमिन से पूछता है कि मिस जन कहाँ गई हैं। चैनमिन कहता है कि वो तो मुझे पता नहीं पर तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ गई हैं। लेटर में मिस जन मोहर के बारे में सब लिख दी होती हैं और यह कहती हैं कि ये मोहर चूड़ैंग से संबंधित है, इसमें फैमिली का कोई दोष नहीं है। जैनर कहता है उन्होंने मुझसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा, सिर्फ एक लेटर छोड़कर चली गई। वैसे कहाँ गई हैं वो? चैनमिन कहता है मुझे पता नहीं पर क्या तुम उन्हें पसंद करते हो? जंजन पहले तो इतराता है फिर मुस्कुराकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जंजन गुंगमैन सिटी आ गई पहुँच जाती है और अपने पिता के मौत का बदला लेने का याद करके कहती है चूडेंग मैं वापस आ गई हूँ। और फिर लिवियर के साथ कुछ खाने चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं युगजीवी के बारे में सब गलत बातें कर रहे होते हैं। फिर वही शुगर फिंगर वाला आदमी जिसने लालटेन फेस्टिवल में जीत हासिल की थी वह उसे अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाता है। युगजीवी मना करती है तो वो बोलता है कि मना मत कीजिए, मुझे अपना दोस्त समझिए। फिर दोनों खाना खाते हैं। फिर वो आदमी बोलता है तुम आजकल कहाँ रह रही हो, क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ मेरे घर और तुम मेरे लिए शुगर फिंगर बना देना, उसके जिसके बदले मैं तुम्हें वहाँ रहने दूंगा। आगे हम देखते हैं मिस्टर रिंग चाय पी रहे होते हैं तभी उनके पास एक खत आता है और वो मुस्कुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर रिंग को पता चलता है जैन की शादी रद्द हो गई है तो वो सोचते हैं कि हम फिर कब मिलेंगे। फिर हम देखते हैं मिस जंजन वहीं से गुजर रही होती हैं। आगे हम देखते हैं जंजन प्रिंस हुई के महल के सामने होती हैं और जीवली और जीवरोंग को याद करती हैं और सोचती हैं तुम लोग कैसे हो। फिर हम देखते हैं कुछ लोग भागते हुए बात कर रहे होते हैं कि वो कप्तान अब इस सिटी में आ गया है, हमें आज ही पता चला है। जंजन देखने जाती है तो उसे जैनर और बैंगटाओ मिलते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। जैनर कहता है तुम्हें तो पता भी नहीं है कि हम यहाँ कहाँ अच्छा खाना खा सकते हैं। तो बैंगटाओ कहता है कि हम यहाँ पर क्रिमिनल हैं तो जो मिल रहा है उसे खा लो। जैनर कहता है कि तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया। बैंगटाओ कहता है जो मिल रहा है खा लो, मेरा कोई मूड नहीं है। जंजन सब छिप कर देख रही होती है। जैनर कहता है मैं महल जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जंजन कहती है महल जाकर कहीं ये सारी बातें चूरंग को बताने वाला तो नहीं है। बैंगटाओ वहाँ से जा रहा होता है तो जैनर कहता है कि सुनो यहाँ पैसे देकर जाओ और वो चला जाता है। बैंगटाओ कहता है अपना ख्याल रखना। जंजन भी उसके पीछे जाती है। जैनर जीवली के मकबरे के पास जाता है और वहाँ खूब रोता है ये कहकर कि मैं देर से पहुँचा और तुमने शादी कर ली, खूब बातें करता है और जंजन भी रोती है। जैनर बताता है कि तुम्हें पता है मैं एक लड़की से मिला जो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, मैं क्या करूँ। जैनर उसके पास जाने वाली होती है तभी वहाँ ली इनकी आ जाता है। ली इनकी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो जैनर कहता है क्योंकि जीवलिंग का मकबरा यहाँ है। ली इनकी कहता है वो मेरी मरी हुई पत्नी है। दोनों में कहा सुनी होती है और फिर उन दोनों में लड़ाई होता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होने के बाद जैनर जीत जाता है। तभी वहाँ राजा के आदमी आ जाते हैं। जैनर मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे महाराज ने बुलाया है तो तुम
मुझे क्यों रोक रहे हो? फिर जैनल कहता है, यूंग देखिए ना, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर वो लोग उसे महल ले जाते हैं। जंगन सोचते हुए जा रही होती है कि जैनल आखिर किस प्लान के तहत यहाँ आया हुआ है। तभी वहाँ मिस्टर निंग आ जाते हैं। मिस्टर निंग कहते हैं, आपने फैंग फैमिली में सब ठीक कर दिया है। और जंगन कहती है, आपको सब पता चल गया। मिस्टर निंग कहते हैं, हाँ, आप यहाँ क्या करने आई हैं? जंगन कहती है, मैं यहाँ किसी ज़रूरी काम से आई हूँ। तो मिस्टर निंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, काम जरूर कोई सीक्रेट होगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। जंजन कहती है, शुक्रिया, और वो वहाँ से जाने लगती है। हमारा एपिसोड 12 यहीं ख़त्म हो जाता है। बने रहिए अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ। थैंक यू।